चलो जी, इनको KFC से निकाल के लाई हूँ क्योंकि बिल्कुल स्नैक्स ले देते हैं, क्योंकि हम लेके नहीं निकले क्योंकि एमरजेंसी में निकले हैं। पहले टेस्ट मेरे से करवाते हैं, क्या इसमें नमक चेक करो। बिल्कुल साफ सुथरे AC अंदर लगा हुआ, फुहाते हैं चाय क्योंकि मैंने चाय नहीं पी हुई। गाड़ी चलाई है, आराम आराम से हम आए हैं। क्या कह रहे थे, इतना कैसे बोल रहा था? हमारा तुम्हारा इधर तुसी जानी अपन की गोली जब कहता है शैतान चौक के चन फेवरेट PC में, बच्चों के फेवरेट PC में। हां भैया जाने दो, कोई बात नहीं। यहां पर जी हम आ गए हैं नाश्ता करने, बच्चों ने लिया है जी एग, नाश्ता करने के बाद और लस्सी पीने के बाद ये हालत होती है। अंदर हम आ चुके हैं, बच्चे अपना मैकडॉनल्ड खा रहे हैं। रिलैक्स का पूरा पूरा वैसे कीमा निकल गया, मोटा कुछ मैं वैसे नहीं खाता, मोटा मोटा। ले जी, मोहम्मद अहमद ने मंगवा लिया अपने लिए पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। आज जी बड़ा ही दिनों बाद मैं ना ब्लॉगिंग कर रही हूँ, दोबारा ज्वाइन किया है। कुछ तो तबीयत सेट नहीं थी और कुछ बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। कहाँ जा रहे हैं यार? वो बाबा को कहा था KFC नहीं खाना। अच्छा जी, अभी जो है ना सडनली रात को 9:30 बजे हस्बैंड की कॉल आई है और कहते हैं जी एक एक सूट रख लो, एमरजेंसी में निकलना है। अब एमरजेंसी का मैं कहाँ निकलना है? चलो मैं अंदर पहले चली जाऊँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो जी, इनको KFC से निकाल के लाई हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था, तो मैंने इनको कहा कि KFC नहीं खाना, अभी आधी रात है, ले लो जौन से लेनी है एक। मैंने कहा चले जी यहाँ से जो है ना बच्चों को हल्की फुल्की स्नैक्स ले देते हैं क्योंकि हम लेके नहीं निकले क्योंकि एमरजेंसी में निकले हैं और बहुत जल्दी ही निकले हैं, तो इस वजह से। तो अब यहाँ से स्नैक्स लेते हैं और फिर गाड़ी पे बैठते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। ये ले रहा है जी आइसक्रीम। मोहम्मद अहमद आपने क्या लेना है? चम्मच वो आपको स्टिक उनके पास होगी, वो दे देंगे, आ जाओ। और ये जी आज बड़े हैप्पी हैं क्योंकि इनका नेक पहन लिया इन्होंने। जब से खरीदे थे ना तब से इन्होंने पहने ही नहीं थे और हमेशा कहते थे हम कहाँ जाएंगे जो पहनेंगे, कहाँ जाएंगे जो पहनेंगे। अब जो पहने चले जी यहाँ पे, असल में इमरजेंसी में जो कॉल आई थी ना हस्बैंड ने की थी, जो सबसे पहले टेस्ट मेरे से करवाते हैं कि इसमें नमक चेक करो क्या ज़्यादा तो नहीं है। तो जी बच्चों को मैंने खाना खिला के फ्री हो गई थी, सिर्फ हस्बैंड और मैं रह गए थे खाना खाने वाले, तो फिर ये भी बाहर से खाए। एक्सक्यूज़ मी, मैंने वो भी इतने से नूडल्स खाए थे एक बार। चलो खाया तो था ना, खाना तो खाया था ना। तो अब जी मुझे लगी हुई है भूख, 1 बजने वाला है, नहीं 1:18 हो गया, मैं तो 1 बज। तो अब जी यहाँ पे हम रेस्ट एरिया में रुके हैं सूखे की और यहाँ से हमने मंगवाई है एक रोटी और चिकन पकोड़ा है। हाँ आ जाएगा, इस बच्चे ने पहले आइसक्रीम खाई है और अब चिप्स खा रहा है। चले जी बिस्मिल्लाह कर। सर जी भेरा हम पहुँच चुके हैं और बच्चों को यहाँ पे जो है ना वॉशरूम करवाया। हम वो सामने वॉशरूम में नहीं जाते, हम हमेशा भेरा रुक के इस वाले वॉशरूम में बच्चों को फ्रेश करवाते हैं। हाँ अगर मजबूरी हो पीछे रास्ते में रुकना पड़े तो रुक जाते हैं, वरना ये वॉशरूम बिल्कुल साफ सुथरे, AC अंदर लगा हुआ है, फुल चिल माहौल है और बहुत साफ़ सुथरे जो है ना वॉशरूम है, तो इसलिए हम जब भी रुकते हैं ना यहीं पे वॉशरूम करके जाते हैं। अब जो मैकडॉनल्ड तो बंद हो गया, खाने पीने का मूड कोई नहीं है, सिर्फ चाय पीने का है। हस्बैंड गए वॉशरूम में, अब वो निकलते हैं आते हैं तो फिर चाय पीते हैं और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, है ना? बहुत खुश हो ना? एक दफ़ा नहीं, हम हमेशा यहीं पे आते हैं, यहाँ से सोल्ट एंड पेपर से हम खाना खाते हैं, बच्चे मैकडॉनल्ड से लेते हैं। पीछे पीछे थोड़ा फेस इतना बड़ा ठीक ठाक हो, मैं मोहम्मद अहमद, और अगर आपको सबसे दुनिया के सबसे साफ वॉशरूम में आना, आप आइए भेरा पर ये वॉशरूम लेने के लिए। एक फिर इस्लामाबाद से हाथ ला रहे हो ना, मैंने दिखा दिया अपना ना पेट्रोल जाएगा वापस इस्लामाबाद से जाना, ठीक है? जेदी पे यहाँ से बनवाते हैं चाय क्योंकि मैंने चाय नहीं पी हुई। चाय मैंने यहाँ पे ले लिया और ये सब आगे चले गए हैं, रुक ही नहीं रहे, पीछे मुड़ के ही नहीं देख रहे। भाई सब ने तस्वीरें उतरवाई हैं, वो फोकस ही नहीं हो रहा। अच्छा बिल्कुल, अच्छा इस तरह तो नज़र आ रहा है ना, फिर भी हमें पहाड़ इसमें कैमरे में बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे, लेकिन पता तो चल रहा है ना। कुछ आम छुप गया बादलों में, पापा पास चलो, वो छुप गया, आप रही है ना? इसकी वो
रोशनी चेक करो चांद नहीं माशाल्लाह से मम्मा चांद इतना लाया ये देखो हाँ चांद छुपने वाला है बेटा दिन चढ़ने वाला है चार बजने वाला है मम्मा बात सुनो चार बजने वाला हाँ जी सॉल्ट रेंज पे जी सॉल्ट रेंज पे हम चल चढ़ गए हैं अभी आगे अभी तो आपने मतलब चढ़ना स्टार्ट किया अभी आप एकदम मो नहीं ज्यादा ऊंचाई पे जब जाते हैं तब होते हैं और आज ट्रक को काफी ज्यादा शायद रात है इसलिए रात को ट्रक हाँ वही ना रात है ना तो इसलिए हाँ 11 बजे के बाद तो इसलिए ट्रक जाता है पीछे भी बहुत ज्यादा हाँ ये बसों वाले तुम चले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर खत्म हो गया हमने बहुत रिलैक्स पहली दफा हमने इतनी रिलैक्स गाड़ी चलाई है ना अरे वो देखिए स्लो स्लो फुल स्लो गाड़ी चलाई है आराम आराम से हम आए हैं और अपनी जगह पे हम पहुंच गए हैं जहां हमने पहुंचना था क्योंकि हस्बैंड की एक मीटिंग है तकरीबन 10:30 बजे जिसकी वजह से हम आज आए हैं जी इस्लामाबाद और बाबा ने और अभी टाइम क्या हो गया अभी कितना टाइम हुआ है 5:45 हो गया और हम घर से 11 बजे के निकले हुए हैं आज हमने फर्स्ट टाइम जो है ना टूल प्लाजा कह रही हूँ उधर रेस्ट एरिया पे भी जो है ना हम बड़ा रिलैक्स होके हम जो है ना बैठे रहे हैं हम नहीं मतलब घंटा आधा घंटा हम बैठे हैं वहाँ वेलकम टू इस्लामाबाद कैपिटल सिटी चले एक बच्चा जी ये मेरा सो रहा है और ये वाला जो बच्चा है ना ये अभी तक नहीं सोया पूरी रात नहीं सोया हाँ और ये अब जाते हुए सोएगा चले जी अब हम ढूंढने जा रहे हैं नाश्ता पहले करेंगे नाश्ता और उसके बाद देखते हैं दूसरा काम क्या करते हैं वो कहते हैं ये क्या बन रहा है बिल्डिंग्स बन रही है फ्लैट्स बन रहे हैं ये फ्लैट हाँ ये बैरिया वाली साइड है ना नहीं बैरिया नहीं ये दूसरी वो है ये जब एंटर होते हैं ना चले जी पिछले एक घंटे से ना हम इधर रावलपिंडी में अब तो हम बाइकों वालों को रोक रोक कर पूछने लग गए कि हमें नाश्ते का बता दे किसी को यहाँ पे एक तो ये लोग ना ये बैरियर तो नहीं है सारा हाँ सही बताते ही नहीं है तो बस ये अब हम नाश्ता ढूंढ रहे हैं एक घंटे से देखे कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता मोहम्मद अहमद और एक मोहम्मद अहमद की बोंगिया नहीं ये लोअर है ये लाहौर का बैजर टाउन है बाबा ये वैसे ही लाहौर का ही लगेगा चलो जी अब ढूंढते ढूंढते हम बैरिया टाउन के अंदर घुस गए हैं अब देखिए यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं एक अंकल से हमने पूछा है उसने क्या बोला है उसने समझाया बड़े अच्छे तरीके से है हमें उसकी जुबान नहीं समझ आई कि वो बोला क्या है क्या कह रहा था इतना कैसे बोल रहा था हमारा तुम्हारा इधर तुसी जानी अपने की गोली जफे कहता है शैतान चौंक के चने हैं वहाँ पे खा लीजिए कहते शैतान चौंक के चने खा लें आप जाके अब हम यहाँ पे अब बैरिया टाउन में हम शैतान चौक ढूंढने आए कि शैतान चौक है या उसने कुछ और बोला है हमें सुनने में शैतान चौक लगा है अब देखते हैं क्या है ऊपर देखो घर चलो जी हमने तो बैरिया टाउन में बड़ा शैतान चौक ढूंढ लिया अब वो भी नहीं मिल रहा और सारे ये मार्केट्स तो काफी ज्यादा हैं लेकिन ना बंद है सारे अब कुछ समझ नहीं आ रहा 6 बजने है ना नहीं 7 बजने वाले हैं 10 मिनट रह गए हैं अच्छा यहाँ पे जी एक मसाल ना मुझे बड़ी टाइम पता नहीं 7:30-8 बज रहे होंगे तो बड़ी अच्छी मसाल आ रही है लेकिन ना वो मसाल मैं आप लोगों को ना दे नहीं सकती नहीं साफ सुथरे हैं सही हैं चलो जी सारा मतलब हमने रावलपिंडी फिर लिया हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली तो इस वजह से अब हम जी आ गए हैं अपना फेवरेट पीसी में बच्चों के फेवरेट पीसी में इस दफ़ा हमने यहाँ पे रूम नहीं लिया क्योंकि रूम की ज़रूरत ही नहीं है हमने थोड़ी देर में बस मीटिंग अटेंड करके यहाँ से निकल जाना है चलो जी देखते हैं नाश्ते हम आ गए हैं नाश्ता करने बच्चों ने लिया है जी एग और जूस और फुल टाइम यहाँ पे रश लगा हुआ है और मुझे 100% पता था कि आपने ना यहीं पे आना क्योंकि मेरे हस्बैंड ना पीसी के बगैर नहीं रह सकते इस दफ़ा हमने रूम मैंने पहले भी बताया कि हमने नहीं लिया क्योंकि हमारा काम बहुत थोड़ा है मीटिंग करके हमने सीधा लाहौर निकलना है तो अब जी यहाँ पे नाश्ता करने के लिए ये आए गए इन्होंने कहा पीसी को हम ना सलामी दे दें तो सलामी देने के लिए आ गए चले जी हम नाश्ता करते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं भैया
जाने दो, कोई बात नहीं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता हमने कर लिया है, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, अब यहाँ से हमारा जाने का टाइम होता है। हम जी यहाँ से अब जा रहे हैं, वही बार धूप चेक करो, बहुत ज़्यादा धूप होगी। फैसल मस्जिद चलो नाश्ता करने के बाद और लस्सी पीने के बाद ये हालत होती है इंसान की। मैं कल सुबह 9 बजे की उठी हुई हैं और ये भी तकरीबन 9 बजे के उठे हुए हैं और सारी रात हम आप। हाँ जी, और भाई लेट उठा था और अब जी नाश्ता कर चुके हैं हम लोग। अभी जी हमारे पास 1 घंटा है तो हम इधर पीसी के बाहर ही यहाँ पे फोकस हो जो ये पीसी की पार्किंग में जी लेटे हुए हैं, अपनी लस्सियाँ पूरी कर रहे हैं और बच्चे ये बैठे हुए हैं। ये बच्चा भी नहीं सोया सारी रात, ये सो गया और ये बच्चा नहीं सोया सारी रात से। जा नहीं, 2 मिनट आंख लगी है। नहीं, 2 मिनट भी नहीं लगी। 8,000 नहीं, मैं खांचा एडा वड्डा छोटे लाए हो ना, 2-4 सौ रुपए का बंदा कि खांचा लाया चलाया, पर मशीन कि लगा यहाँ पे जी। ये अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं पूरे पिछले कोई 1 घंटा तो लग ही गया आपको, है ना, 1 घंटे से ऊपर। और ये बाप बेटा अंदर से चाय बिस्किट रिफ्रेशमेंट कार कूर के सारे काम करके जी ये आ गए हैं। मैं और मोहम्मद मुस्तफा गाड़ी में थे, हमें बुलाया था लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सो गया था तो मैं अंदर नहीं जा सकी। तो आप जी यहाँ से ये कह रहे हैं कि जी वापसी का सफ़र, और मैं इनको कह रही हूँ कि नहीं थोड़ा सा हमें इस्लामाबाद फिरा दें और उसके 1 घंटा फिरा दें, क्योंकि टाइम कितना हो गया, नहीं नहीं 12:13 हुए हैं। जबरदस्ती ना पाई जाओ, इधर पेट्रोल डाल रहे हैं अभी, बड़े मजे का सीन हुआ जी। बॉस वो जबरदस्ती ना पाई जाओ, पाओ पाओ हैं पाओ तुसी हुन हुन भाई जबर पान तो 15,000 था ना बारी, तेरी मेहरबानी है। पति तो ज्यादा टैंकी सी यार, अगे वो यार किस तरह हो सकता है कि 6,000 दा तू पाता 5,000 7,000 दा पहले सी 7,000 में पहले चले जी, पेट्रोल हमने डलवा लिया और बड़े मजे का सीन हुआ है। मोहम्मद अहमद अभी उसने बेचारे ने अंदर डाला ही है अपना पेट्रोल का वो नोजल, और मोहम्मद अहमद कहता है बाबा 4,000 का हो गया, बाबा 8,000 का हो गया, आधी टैंकी हमारी बीच में थी। और ये बच्चा कहता है बाबा 4,000, बाबा 8,000, मैं और बाबा इसकी शक्ल देख रहे हैं और कभी उस बंदे को बुला के कह रहे भजन तुम केड़ी फिक्स करवाया हुआ अंदर कि 8,000 का हो गया, वो भी हंसने लग गया। चले जी अब सुबह तो फिर लिया था हमने बैरिया टाउन, हमें वो कौन सा चौक, हमें शैतान चौक नहीं मिला उधर, हमने पूरा बैरिया ढूंढ लिया हमें शैतान चौक नहीं मिला। तो अब जी देखते हैं इस्लामाबाद अगर 1-1.5 घंटा फिर लें फिर देखते हैं फिर आते हैं या नहीं फिर आते हैं, ये इन पे है। छोटा मेरा बेचारा सोया हुआ है, हाँ लेकिन ये देखो ना कैमरे में नहीं इतना नजर आता, पता नहीं। वैसे फिलहाल ये भी अलग ही कुदरत है कि देखो कैमरे में जो वो एक फुल नेचर होती है ना, वो क्या उसको कहते हैं, नेचर ही कहते हैं ना, वो नहीं आती कभी भी नहीं आती जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। लेकिन गाड़ी क्यों हिला रहे, मेरा कैमरा भी हिल रहा है, उसको भी डांस करा रहे हैं उसको भी। आज तो ना वॉशरूम जाना होता है, कभी हम पीछे जाते हैं तो कभी हम पता नहीं कहाँ, अब देखते हैं जी कहाँ चलते हैं। चले जी, पहले हम चढ़ाई चढ़े थे सुबह 5 बजे के करीब और अब हम उतर रहे हैं 2:10 हो गए हैं इस टाइम, और बस पहाड़ों के नज़ारे ले रहे हैं। 4:30 के करीब चढ़े थे हम और अब नीचे उतर रहे हैं। वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया हुआ है और नहीं लेके गए ये जनाब, हमेशा हर साल यही कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बस वहाँ पे फिर आके तो इनका होता है कि बस हम ना वापस चले। अब इनकी भी नींद से बुरी हालत हो रही है, मोहम्मद अहमद को जबरदस्ती पीछे लटाया है सुलाया है, और एक बच्चा ये मेरी गोद में बैठा हुआ है और मेरी लेग्स का पूरा पूरा वैसे कीमा निकल गया है, इतनी बुरी हालत हो गई है। ये पका लो खा लेंगे, मोटा अच्छा ये अभी मैं पेट पे मारूं कैमरा आपके सही है ठीक है जी, मोटा गोश्त नहीं खाते,
ये जो बंदा है ना, ये पिछली दफा हमें ना एक डेढ़ हफ्ते का कह के लेके आए थे और दो दिन बस वहाँ पे रुके हैं। हम पीसी में तीसरे दिन कहते हैं मैं तुम्हें 60,000 या 70,000 दूंगा, लाहौर की शॉपिंग करवाऊंगा। 1 रुपया इस बंदे ने नहीं दिया, ना मुझे शॉपिंग कराई, नहीं खटी का एक सूट लेके दिया था, लेके दिया था। हाँ शायद ये हमेशा इसी तरह करते हैं, इस्लामाबाद आ जाते हैं। ये देखो ओवर टेकिंग कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, भेरा तक हम पहुंच गए हुए हैं। तकरीबन 1 घंटा होने वाला, क्या टाइम हुआ है अभी, हो गए हैं 3:30। हाँ हम 2:30 बजे के करीब पहुंचे थे, लेकिन हस्बैंड की ना हालत बहुत गैर हो रही थी नींद की वजह से, तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ी देर ना गाड़ी में ही लेट जाए। चिकन पिला रहा था। क्या कोई बात नहीं, टीचर को पता चल गया, उन्होंने उन्होंने देखा है ना स्टेटस में, उनको पता चल गया होगा आप लोग घर पे नहीं हो, तो वो टीचर को पता चल गया होगा ना। आप जी यहाँ पे बच्चों को लगी हुई है भूख, मोहम्मद अहमद तो अभी तक सो रहे हैं और उस वो पूरी रात का जाग रहा था जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसको सोने दिया। अब ये उठ के हुए हैं, ये तो आधे रास्ते में इसको उठा दिया था क्योंकि ये भी सो रहा था, मोहम्मद अहमद भी सो रहा था, तो मुझे भी नींद आ रही थी, फिर हस्बैंड को भी नींद आ रही थी, गाड़ी भी ड्राइव हो रही थी, तो फिर इसको उठा दिया कि चलो ये शोर शराबा थोड़ा सा हमारे साथ करेगा। तो यहाँ पे आके 1 घंटा बस हस्बैंड ने आराम किया है, तो अब वो अंदर एक वॉशरूम गए हैं और मैकडॉनल्ड लेने के हैं बच्चों के लिए, और खुद कुछ और कह रहे हैं कि वो सामने वाला रेस्टोरेंट जो है ना उधर, वो सामने है रेस्टोरेंट एक, वो सामने, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे खाना उन्होंने खाया वो अच्छा है, वहाँ से कुछ खाते हैं मैं और हस्बैंड। अब देखो आते हैं तो फिर देखते हैं। अंदर हम आ चुके हैं, बच्चे अपना मैकडॉनल्ड खा रहे हैं और हमने अपना बिरयानी ऑर्डर कर दिया और चिकन पकौड़ा, ये दोनों ऑर्डर कर दिए हमने। अब बच्चे अपना मील एंजॉय कर रहे हैं और ये भाई सब अभी नींद से ना सही उठे नहीं। अच्छा यहाँ पे बड़ा कूजी सा माहौल है, लाइट बहुत डिम है, येलो लाइट है और उसकी वजह से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हुआ हुआ है जी। हमारा खाना आ गया, चिकन पकौड़ा और बिरयानी। चावल मैंने टेस्ट किए हैं, नॉर्मल है बिल्कुल, मसाला इतना तेज तो नहीं है, मिर्चें वगैरह बिल्कुल फिक्के लग रहे हैं मुझे। अब हम पकौड़ा भी टेस्ट करते हैं और ये दोनों भाई साहब फ्री हो चुके हैं अपना। उसने उसने बाकी कुछ नहीं खाया, क्यों नहीं खाया आपने, सुबह नाश्ता भी नहीं किया आपने, मक्खी नहीं थी यार। नहीं अब रात को ले जाएंगे, रात को खाना का तो खाना ही है ना, किसी से खा के नहीं आए नान चने। ले जी मोहम्मद अहमद ने मंगवा लिया अपने लिए पिज्ज़ा और मैंने कहा चलो एक आधी पिज्जे की बाइट हम भी ट्राई कर लेते हैं और खाते हैं। ये फ्लेवर ग्रिल से मंगवाया हमने फर्स्ट टाइम, मुझे मैं सही सच बताना कैसा अच्छा लग रहा है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर हम पहुंच चुके थे और तकरीबन हम पहुंचे हैं 7 बजे और इतनी हालत गैर हो रही थी ना हस्बैंड की भी, गाड़ी मेरे झोंके लग रहे थे उनको ढक 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 करके। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि हमने ना रूम बुक नहीं करवाया आने जाने का किया है। असल इनको मैंने कहा था कि हम ना रात में थोड़ी नींद पूरी करते हैं, सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, तो इस भाई साहब की वजह से ना, इस भाई साहब की ज़िद की वजह से हम कल रात को 11 बजे घर से निकल गए थे खैर से, और फिर आज शाम 7 बजे आए हैं। बड़ी बुरी हालत हो रही थी, बड़ी गैर हालत हो रही थी, बस लॉक ओपन किए हैं, एसी ऑन किया है, ब्रम करके लेट गए हैं अभी तकरीबन। ये तो ये भाई साहब ने तो गाड़ी में नींद पूरी कर ली, हस्बैंड भी आके लेट गए, छोटा भी लेट गया, लेकिन मैं नहीं इस टेंशन में लेटी क्योंकि बस वो मैंने कहा कि ये भाई साहब भी जाग रहे हैं और फिर एक और भी बात थी इस वजह से भी फिर मैं टेंशन में जागती रही। अब हस्बैंड उठे हैं, उनको उठाया है, 9:30 हुए हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा उनको खाना खिलाया है। ये इसकी नींद बहुत थोड़ी है, ये इसकी नींद आपकी तरह, ये घंटा भी सो जाएगा तो बस। लेकिन वापसी पे इसको हमने ना जाते हुए कहा कि बेटा आप सो जाओ, वहाँ पे पहुँच के आप एंजॉय करोगे और वापसी पे एंजॉय कर लोगे। ये बच्चा नहीं सोया, ये कल सुबह 11 बजे का जागा हुआ,
दोपहर में सोया है तकरीबन 12:30, और फिर अब ये तकरीबन फिर इसको रास्ते में जब भेरा पे रुके हैं तब उठाया, और उसके बाद इसने जो तंग करना शुरू किया है, इसको कोई फिंगर भी टच होती थी ना तो इस बच्चे ने ऐसा रोला डाला ना जिसके की हाथ नहीं। फिर ये दोबारा सो गया, फिर जब घर पहुंचे हैं तो इसको उठाया कि भाई साहब चले आ जाए अंदर, घर पे आ गए हैं। फिर उसके बाद से अब ये जाग रहा है, अब इसकी वजह से मुझे जागना पड़ रहा है क्योंकि ये ना खुद सोता है ना किसी को सोने देता है। ये कहता है मैं जाग रहा हूँ तो आप क्यों सो रही हैं, उठ के बैठो। अब मेरी हालत गैर है तो गैर हो रही है। अब मैंने इनको खाना दे दिया है, मैं अपनी मेडिसिन खाने लगी हूँ, और इस भाई को सर पूछा कुछ खाना, इसने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं खाना ना खाओ, 9:30 पे मैं सोने लगी हूँ। मोहम्मद मसवा भी यहाँ पे छोटी छोटी सी पाँव है इसके, धंधे हो गए हैं धंधे, मामा मेरे पाँव धंधे हो गए हैं, ये भी शोर है। और बस यही था जी आने जाने का ट्रिप हमारा। चलो जी अब आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ऐसे ट्रिप लगाने चाहिए जो जल्दियों वाले होते हैं, 5 मिनट पहले कॉल आई है, चलो जी चलो, और फिर हम जी ऐसे निकलें ऐसे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।